रात नाइट ड्यूटी थी ना, मैं पर यहीं सो गया जी। काफी दिनों से वर्दी नहीं धुली थी, फिर मैं धो ली यहीं पे। आप आज आधा घंटा पहले आ गए जी, मैं दो मिनट में पहन लेता हूँ जी बस। दे! दे! कब आया तू? अरे मैडम मुझे तो आधा घंटा हो गया आए हुए। तो तैने उसकी गृहस्थी क्यों ना समेटी है जब आधा घंटा पहले आ गया है? यहाँ इसने जो है तार वार लगा के बिल्कुल ही कच्छे सूख रहे हैं और बनियाने सूख रही हैं, पजामे सूख रहे हैं। क्यों क्यों तूने जो है इसको मनाना करी है? चौकी हो रही है, कमिश्नर साहब आ गए तो तुम दोनों की तो रही सही जाएगी नौकरी, मारी जो मेहनत की है वो भी जाती रहेगी। लोग यहाँ FIR लिखवा रहे हैं बाहर से आके के इज्जत है इस चौकी की। क्यों नहीं तैने इसकी समेटी दुकान? क्योंकि मैडम मैं चाहता था कि आप गोपी की सच्चाई को देखें। रोज मैडम ऐसे करता है, रोज एवरी डे रोज। ये जो थारी औरत पने का जो है ना थारा बिहेवियर है ना, इसमें एक दिन मरेगा तू। ये चुगलियां मंथरा बनता है ना जो तू। कि मैं देखना चाह रहा था, मैं दिखाना चाह रहा था, देखिए अपनी आंखों से। जाएगी एक दिन नौकरी, पुलिस का जो करियर अपना रहा सा जो भी है। See you brother inside. वो दादा जी बाहर बारिश हो रही ना, भीग गया था। मैडम मैडम मैं नहीं बताऊंगा। पूछी किसने थारे से जो तू ना बताएगा? और वैसे क्या नहीं बताओगे यार, अपनी साली का नाम या पड़ोसन का नंबर? Well bro, भाई दा, यू दा, कम इज दा, लाइफ में क्या है गम इज दा। मैं नहीं बताऊंगा। तू भाग ले, तू कट ले, तू निकल ले, तू परे हो ले, तू पतली गली पकड़ ले तू, वरना मानसून के सीजन में रेपटों की बरसात होगी थारे सर पे। मैडम मुझे FIR लिखवानी है। हाँ तो किसके खिलाफ लिखवानी है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे यार तुम नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा तुम्हें किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? मुझे मेरे पड़ोसी के खिलाफ FIR लिखवानी है, मैं नहीं बताऊंगा। Well bro, क्या हुआ, तुम्हारे पड़ोसी ने अड़ोसन छेड़ दी क्या? हाँ जी, अगर आपकी बदतमीजी हो गई हो पूरी तो आगे बढ़ लें, कार्रवाई कर लें। कैरी ऑन। देखो यार यहाँ पर ये जो कुतुब मीनार सी, मेरा मतलब है ऊंचे पेड़ के अनार सी, मेरा मतलब है यहाँ पर ये जो मैडम बैठी हैं वो तुम्हें दिख रही हैं? इन्हें ही तो देख रहा हूँ। मतलब कि दिख रही हैं। अब ये बताओ कि ये तुम्हें कैसी लग रही हैं? बढ़िया लग रहा है, मतलब कि अच्छी लग रही है। देखो दोस्त, क्या है कि ये जो शालीनता की मूरत, इंसानियत की सूरत तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं। ये बहुत ही गुस्से वाली है, इसलिए जो भी तुम्हारा मैटर है वो जरा खुल के पान में गुलकंद की तरह घुल के कहो, नदी नाले की तरह बहो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का कैरमेल कस्टर्ड जम गया तो हमारी मैडम एक नंबर की जहरीले नागिन का इच्छाधारी रूप से, मेरा मतलब है खोलता मिर्च मसाले का सूप से, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? Well bro, what is the matter is the, please start generator is the. देखिए मैडम, मेरा नाम है कसीनो, कमल कसीनो, मैं नहीं बताऊंगा। Well, हसीनो? जी नहीं दादाजी, कसीनो। कसीनो रोयाल? कसीनो अस्पताल। जी मेरा जन्म कसीनो में हुआ था, कसीनो अस्पताल बरेली, समझे आप? मैं नहीं बताऊंगा। मैडम देखिए, मैं अपने पड़ोसी से तंग आ गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, पक गया हूँ। और दो चार अगर पर्यायवाची छूट गए हो हिंदी के शब्दकोश में तो वो भी निकाल ले तू बाहर। हैं?
कुड़ गया हूँ, चिढ़ गया हूँ, मर गया हूँ, पिस गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, हैरान हो गया हूँ। नहीं तो डिग्री कॉलेज के निगम साहब ने बुला देती हूँ मैं, वो तैने सिखा देंगे हिंदी। दो चार और जो बच गए हों वो शब्द पर्यायवाची के। जी मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मेरे पड़ोसी ने मुझे हैरान कर दिया मैडम, हैरान। मैडम मैं नहीं बताऊंगा मैडम, वो रोज सुबह मेरे घर आ जाता है। तो तुम क्या जाते हो, रोज रात को तुम्हारे घर आए? मैं नहीं बताऊंगा मैडम, वो रोज सुबह मेरे घर आके मेरे बाथरूम में घुस जाता है। Well, तो तुम क्या चाहते हो, वो तुम्हारे बेडरूम में घुस जाए? वाह शाबाश, वेरी गुड। और कुछ काइयां पंती की, चीपनेस की हैं, घटियापन की कुछ बातें बची हो तो प्लीज ब्रिंग इट ऑन, कैरी ऑन। मैडम वो रोज मेरे बाथरूम में आके नहाता है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, उसके घर में बाथरूम ना है? है मैडम है, फिर भी वो मेरे बाथरूम में आके रोज नहाता है, मैं नहीं बताऊंगा मैडम। और उसके बाद उसकी बीवी चली आती है। उसकी बीवी भी आके तुम्हारे बाथरूम में नहाती है? जी वो भी मेरे ही बाथरूम में नहाती है, मैं नहीं बताऊंगा। और हद तो तब हो गई जब आज नहाने के बाद मेरा पड़ोसी मुझसे कहने लगा कि सुनो मुझे वो चंदन के साबुन से नहाने की आदत है, जरा वो मंगवा लो, मैं नहीं बताऊंगा। बुलवाओ जरा इसके पड़ोसी ने और उसकी मिसेज ने, हम भी देखें कौन हो रहे हैं ये दो महान हस्ती जो अपने घर में बाथरूम होते हुए पड़ोसी का भिगा रहे हैं बाथरूम। तू समेट अपनी गृहस्थी, अपनी ये दुकान, अपना यो बासिंग धोबी घाट। किरण राव हो रहा है यहाँ चौकी का। अरे तुम्हारे बालों में मैंने चिड़िया देखी। खिलौना है पापी जी, फॉलो हिम। वेल मॉम, ही इज पड़ोसन इज द, शी इज पड़ोसी इज द। तुम हो रहे हो फ्री मियां बीवी जो बिल्कुल फ्री हो गए पड़ोसी का बाथरूम यूज कर ले रहे हैं। जी आपके आशीर्वाद से। मारे आशीर्वाद से है, मैंने कही है कि जाके इसके बाथरूम में बिल्कुल ही नहीं आओ रोज। नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये मेरा तकिया कलम है आपके आशीर्वाद से। नाम बोल ले तकिया कलाम के गुलाम। जी मैडम मेरा नाम है सुलोचना। क्या सुलोचना? तो तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? सुरेंदर। करम जले करम कर ले कहीं के, पहले मेरा जवाब दे। नाम बोल लीजिए मधुर भाषिणी। अरे मैं हूँ सुलोचना फ्रॉम भोपाल, गोरे हैं मेरे गाल। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा नाम भी सुलोचना है, ये पति का नाम भी सुलोचना है, दोनों पति पत्नी का नाम सुलोचना। क्यों क्यों, पति पत्नी के नाम एक जैसे नहीं हो सकते आपके आशीर्वाद से? मैडम आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? समझाने के लिए बुलाया है कि जिनके घर में बाथरूम हो वो दूसरों के घर के बाथरूम यूज ना करते। थारा पड़ोसी यो एकदम छोटे बालों वाला बिल्कुल क्रूकट, यो घना परेशान है थारे से। तू रोज जो है सवेरे इसके घर में घुस जावे बिल्कुल सार के आप तौलिया वालिया लेके, और खूब नहा के पानी वानी उछाल के फिर निकले तू। उसके बाद थारी बीवी घुस जावे, वो खूब अपना कपड़े धो के नहा के और जो है बाल बिलो ड्राई वगैरह करके तैयार हो के वो निकले। Yes! हाँ तो क्या करे, अरे मजबूरी में यूज करना पड़ता है। मैं हूँ सुलोचना फ्रॉम भोपाल, गोरे हैं मेरे गाल। एक मिनट, ये क्या मजबूरी है? तुम्हारे खुद के घर में बाथरूम है ना, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि खुद के बाथरूम को छोड़ के तुम्हें उसके बाथरूम में जाके नहाना पड़ता है? मैं बताती हूँ, पहले जवाब दे।
क्यों नहा रहे हो मियां बीवी इसके बाथरूम में, प्लीज। मैंने कहा ना कि कुछ मजबूरी है आपके आशीर्वाद से। एक मिनट मैडम, एक मिनट। ऐसी कौन सी मजबूरी है मैडम के सामने बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। तो कोई बात नहीं, मुसीबत मेरी है तो मैं ही बताऊंगा ना। आप बताओ। मैडम बात यह कि कई साल पहले मतलब कि एक महीने पहले एक शावर बेचने वाला आया था। शावर मतलब आप समझ रही ना, वो जो है तो ना फोवारा जो होता है ना जिसमें पानी टपकता है। हाँ हाँ, वो गाना भी है ना उसमें। शावर बेचने वाला आया था एक महीने पहले। मैंने कहा कितने का है, तो उसने कहा कि 1000 रुपए का। मैंने कहा कि ओके ठीक है लगवा दो। तो उसने कहा कि सर अगर ये शावर आप बाथरूम में लगवाओगे तो उसमें फायदा ये है कि पानी के बाद इसमें गरम गरम भाप निकलेगी जिससे आपका शरीर सिक जाएगा। तो मैंने कहा कि वैसे भी मेरे कमर में दर्द रहता है ना मेरे कमर में। हाँ तो इसी वजह से रहता है ना। तो मैंने कहा कि लगवा दो ठीक है अच्छी बात है। लेकिन मैडम अब वो शावर जो है ना वो एक महीने से खराब हो गया है। एक महीने से वो आया है रिपेयर करने के लिए, लेकिन हर 2-2 घंटे में मैं उससे पूछता भी हूँ कि भैया रिपेयर हो गया अब हम लोग बाथरूम यूज कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ना आपके आशीर्वाद से। अब बोलिए। हाँ, और मुझे भी कहता है भाभी जी आलू की सब्जी बनाना जीरा डाल के, उससे मेरा दिमाग तेज चलता है और शावर बनाने में मुझे ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी और शाम की चाय से लेकर रात के खाने तक मुझे ही सब करना पड़ता है और कलमुआ वो वहीं सो जाता है। अब मुझे मजबूरी में वहाँ उनका बाथरूम यूज करना पड़ता है क्योंकि मैं हूँ सुलक्षणा फ्रॉम भोपाल, गोरे है मेरे गाल। लास्ट में गोरे हैं हमारे गाल बोली होगी नहीं? बोली बोली। आई डोंट नो। हाँ भैया थारे गाल तो गोरे हैं पर किसी और के गाल लाल करने हैं। बुलवाओ सावर वाले ने। ये अरे आप यार अब यार पूपा जी की बड़ी याद आ रही थी। क्या नाचते थे पूपा जी, क्या नाचते थे हमारे पूपा जी। नाचते नाचते निकल लिए ऊपर पूपा जी, बस उनकी याद में हम भी नाच रहे थे इन्हें देखकर। वो भी इन्हीं की तरह बड़े बदसूरत थे हमारे पूपा जी। पूपा जी आशीर्वाद दीजिए, पूपा जी आशीर्वाद दीजिए प्लीज। कैरी ऑन पूपा जी। फूफा जी। अबे वो साबर, साबर वाला कहाँ है, वो आया क्यों ना? अरे उसे बुलाया ना मैडम, वो बस आता ही होगा। आप बैठिए तब तक आराम से मैडम, आपके लिए कुछ चाय समोसे मंगाता हूँ। किसने कही? मैंने कही मन्ने समोसे खाने? मैंने सवेरे ड्रार खोल के देख लिया है भैया, 125 बिल निकले हैं उसमें से जो तैने मारे नाम पे काटे हैं। ना मैंने कब मंगाए समोसे भैया, उसमें समोसे कचौड़ियां पकौड़े और कल 2 दर्जन पेस्ट्रीज किसके खुशी में आई है। वो तो सबके कहाँ है पेस्ट्रियां ये 2 दर्जन? इसको 2 दी थी मैंने मैडम। तू 2 दर्जन पेस्ट्रियां हपक गया है तू। अबे फट जाएगा एक दिन। जरा अपनी बाटी वाटी बनाओ कुछ। ये तो भैया पुलिस वाले हैं इस देश में। वाह आदमी खाएगा तो सही ना जीने के लिए यार, अभी इतना तो। पचक दूं पचक दूं पचक दूं पचक दूं पचक दूं पचक दूं पचक दूं।
मैडम ये है वो शावर वाला जिसने मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर दी है आपके आशीर्वाद से। क्या लगा रखा था ना भाई? शावर लगा रखा है इनके बाथरूम में। ज्यादा यहाँ जो है ना ओवर स्मार्ट होने की इमरान हाशमी होने की जरूरत ना है, समझा तू? ऐसा कैसा सावर लगा रखा था ना जो लगता ही खराब हो गया और एक महीने से ठीक हो रहा है, और तू इसके घर में ऐसे जम गया है जैसे अपनी बिट्टू दीदी के ससुराल में आया हो। मैडम मेरा नाम है अनुराग निगम, मैं ललितपुर से हूँ। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैंने इन्हें एक कंपनी का शावर दिया, कोई लोकल नहीं, कंपनी का शावर, ये देखिए, और साथ में एक साल की सर्विस एकदम मुफ्त, क्योंकि कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और मैंने इनसे ये भी कहा था कि पूरे एक साल तक आप इसे वापरिए, खूब नहाइए, रगड़िए, मजा लीजिए, और पूरी तसल्ली के बाद पैसे दीजिएगा, पैसे भी नहीं लिए, क्योंकि कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एम आई राइट? राइट। और मैडम ये देखिए, एक हल्का काम ही नहीं अपना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं यहाँ बोल के टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, कि अगर एक साल तक शावर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसकी सर्विसिंग प्रॉपर करके देंगे, और ये हमें उसके लिए कॉपरेट करेंगे। एम आई राइट? Right. हाँ, तो मैडम कमिटमेंट इज कमिटमेंट, और अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी। अबे बांटेड के सलमान, इसके घर का सावर ठीक कर, ज्यादा यहाँ सावर अली बन के बातें करने की जरूरत ना है। वो तो करो यार, दूसरा ये बताओ यार, इसे बाथरूम यूज क्यों नहीं करने दे रहे हो तुम? क्योंकि ये लोग बहुत छेड़ू टाइप के लोग हैं। Well, excuse me. किस तरह के छेड़ू? सारे टाइप के छेड़ू। Carry on. भाई ऐसा है, तू अपना सामान, अपना यो कॉन्ट्रैक्ट है, सावर लगाने का भी तैने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ये सब अपना बोरिया बिस्तर वगैरह लेके इसके घर से तू चंपत हो ले। ये हो ही नहीं सकता मैडम, आप छोड़िए क्या बेकार की बात, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये जब तक है तब तक मैं इनकी सर्विस पूरी करूंगा और ये मुझे कॉपरेट करेंगे, और कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं अभी देखता हूँ शावर सही हुआ कि नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, कुछ हो नहीं सकता वैसे। हाँ नहीं मैडम, आपको क्या लगता है कि इससे मुझे छुटकारा मिलेगा आपके आशीर्वाद से? बाल को एक काम करो, अबे अखबार छोड़, तू इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ बस सुन, फॉलो करो जरा इस सावर वाले ने और इसकी रिपोर्ट लाओ। ओके। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।